साथियों, अभी बुधवार जी वे हमारे मन की उपस्थिति पर सभी पत्रकार बंधु छायाकार साथियों, जैसा उन्होंने बताया कि आज भी जब से आदमपुर का चुनाव डिक्लेयर हुआ है, बहुत सारे साथी विभिन्न पार्टी से, चाहे भाजपा हो, आपकी जेजपा हो और आप पार्टी हो, ये बहुत सारे साथी हैं कांग्रेस पार्टी के, और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है उन्होंने की। आज भी जैसे राम प्रसाद अग्रवाल जी ने की, संदीप जानी जी, सतबीर बूटी जी और सभी नाम उन्होंने बताया, सौरवी नापा जी, प्रदीप बेनीवाल जी, हनुमान जी बेनीवाल जी, सब बहुत सारे साथी हैं, एक बैकवर्ड क्लास से भी और अपने पिछड़ोई क्लास से भी और दूसरे से भी बहुत सारे साथी, जैसे इन्होंने भी आज की है, बहुत सारे साथियों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। एक तो मैं इन सबका स्वागत करता हूँ और पार्टी की तरफ से इनको पूरा मान सम्मान और स्थान मिलेगा। आज चार मुख्य जो पार्टियां हैं, उनके चार उम्मीदवार है। कांग्रेस से तो हमारे जयप्रकाश जी है, बीजेपी से कुलदीप बिश्नोई जी है और आपका आप पार्टी से सत्येंद्र जी है और अपना मोहम्मदान जी है। तीन चार, एक तो कांग्रेस के भी तो जो तीन है अलग अलग पार्टियों से, वो आज से तीन महीने दो महीने पहले दिखा दो कांग्रेस से इन पार्टी के पास अपना पार्टी का उम्मीदवार भी देता, सब कांग्रेस से उधार मांगे हुए उम्मीदवार है। और ये वो लोग हैं जो इनमें से कल तक तो टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस की टिकट से ना उम्मीदी हुई तो उधर चले गए। तो कौन सी इनकी नीति है, क्या आइडियोलॉजी है, ये समझ लो। जहां तक सवाल है बीजेपी का, अब कुलदीप जी उस पार्टी के उम्मीदवार बने हैं, कल तक तो जब किसान आंदोलन चल रहा था, 750 के करीब लोग उन्होंने प्राण निछावर किए, उस समय तक तो असेंबली में ये बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियां कहती थी ये पीबल कानून है, किसान के हित के है, और हमने खड़े होकर कहा था किसान के हित के नहीं है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था, इनको तुरंत वापस लिया गया है और एमएसपी का प्रावधान किया जाए जिसको लेके बैठे हैं। तो आज क्या बदलाव हो गया भाई, आज बीजेपी किसान हितैषी कैसे हो गई, क्या एमएसपी का कानून बना दिया? जब ये तीन कानून लेके आए थे, प्राइवेट मंडी भी भार बढ़ा रहे थे, उस टाइम मैंने कहा था भाई चौथा ऑर्डिनेंस छोड़ जाओ, कोई भी अगर एमएसपी से कम खरीद करे उसका सजा का प्रावधान करो, किसान के साथ प्रावधान करो। तो आज इस मुंह से किसान और मजदूर से ये वोट मांगने का अधिकार रखते, आज कोई औचक्य नहीं। तो बाकी इस मौजूदा सरकार से, बीजेपी और जेजेपी सरकार से हर वर्ग विमुख है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे बैकवर्ड क्लास से है, चाहे दलित वर्ग से है, कोई भी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है, सब विमुख है। तो जो उन्होंने घोषणा पत्र में वायदा किया था, एक भी वायदा पूरा नहीं। और यहाँ तक जो ओल्ड एज पेंशन थी, बुजुर्गों के लिए सम्मान पेंशन थी, 5 लाख के करीब पेंशन काट दी, विधवाओं की पेंशन काट दी, पहचान पत्र बनाए, पहचान पत्र क्या है, पेंशन कार्ड का पत्र है, उसके माने से तो बगैर किसी लॉजिक के लोगों पेंशन काट दी। जो शेड्यूल कास्ट को, गरीब आदमी को, हमने पहली जमात से, हरियाणा पहला प्रदेश था जो पहली जमात से हमने छात्रवृत्ति शुरू की,
वजीफा शुरू किया था, पहली जमात से दाखिल होता ताकि उसमें कटौती कर दी, लाखों उसमें कम कर दिए। इसी प्रकार से किसी भी वक्त आप अभी थोड़ी देर पहले करनाल गया था, वहाँ जो है जो आड़ती भाई जो मंडी से थे वो आम रोड़ा सिंह पर बैठे थे, उसकी सारी खरीदी बंद हो गई। मैंने उनको कहा और उन्होंने मेरी बात मानी, वे उनको पूछ बुलाया कि ये करने से आपका भी नुकसान है, किसान का भी नुकसान है, सरकार का कुछ नहीं, उनके मुद्दे ठीक थे, हम लड़ाई लड़ेंगे लेकिन किसान इतने ये विड्रॉ करो फिर विड्रॉ करो। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी वर्क मतलब ऐसी परिस्थिति हो गई है हरियाणा में, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, 182,000 जो सरकारी नौकरियां खाली हैं। आज जो हमारे समय में 15,000 स्कूल थे आज घट के 9,000 कुछ आ गए, 5,000 स्कूल बंद कर दिए उन्होंने। तो ऐसी परिस्थिति है, 25,000 के करीब पोस्ट जो है जो बनती थी वो अबॉलिश कर दी। तो उसका कारण यह नतीजा हुआ बेरोजगारी में जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आए और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था पूरे देश में, आज बेरोजगारी में नंबर एक है। ये मैं नहीं कहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर एक है। आज महंगाई में और प्रदेशों के मुकाबले में हरियाणा सबसे आगे है। कानून व्यवस्था नाम भी लोग जीत रही, अपराध तेजी से बढ़ रहा है, किसान को MSP नहीं मिल रहा, अभी बाजरा की MSP जो है वो नहीं मिल रही, सरकार ने खरीद बंद कर दी, ये कहते 450 कर देंगे, 2300 कुछ बाहर है उसका MSP का, और आज बिक रहा है 1600, 450 दे भी देंगे, वैसे पिछले साल भी दी है, तो क्या होगा। तो लागत बढ़ रही है, खाद हमारे समय न खाद पर टैक्स था न कीटनाशक दवाई पर टैक्स था, आज खाद पर टैक्स, कीटनाशक दवाई पर टैक्स, GST और ट्रैक्टर पार्ट पे जो इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट पे 28% लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। तो आज इस वजह से हर वर्ग परेशान है। तो ये मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरेगी, हमारा जो उम्मीदवार है वो मजबूत उम्मीदवार है, हिसार से लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और आदमपुर से भी चुनाव लड़े हैं। तो जो जिस प्रकार से लोगों का रुझान है, जो सहयोग मिल रहा है हर वक्त कांग्रेस में आ रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की जो जीत वो निश्चित है। वन बाय वन बीजेपी से है, जो कि बीजेपी जेजेपी से है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन का कैंडिडेट है, उससे मुकाबला है और वो किसान विरोधी है। किसान का जो आपने देखा है इतने 750 किसान तो मानने चाहते हो कि एक भी वक्त मैंने बीजेपी जेजेपी दे दी है, व्यक्तिगत बात करता हूँ, नीतिगत बात करता हूँ। लोकल तक जो है वो जो ये लोग कहते थे कि किसान विरोधी है बीजेपी, बीजेपी को वोट मत देना, जेजेपी को वोट मत देना, आज कैसे हो गए। तो ये है चुनाव प्रचार माइकोल फ्लैक्स लगाने को लेकर के जेजेपी और बीजेपी के बीच राड नजर आ रही है नेताओं की वजह। ऐसा है, ये जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन मैंने कहा था कि ये जो गठबंधन है तो नीतिगत आधार पर नहीं, ये तो स्वार्थ के आधार पर है गठबंधन, कोई नीतियों या जनहित के आधार पर नहीं है। क्योंकि ये तो ये कहता था 75 पार, ये कहते थे जेजेपी वाले इनको करो 14 पार, बाद में दोनों बन गए यार, स्वार्थ के आ रहे हैं तो जनहित के लिए थोड़ी स्वार्थ के गठबंधन होते हैं बगैर नीति के आधार पर, उनका ऐसा ही होता है। भ्रष्टाचार में आज हरियाणा सबसे ऊपर,
सरकार कुलदीप मिश्री जब गांव में जाते हैं ये कह रहे थे एक मौका दे दो, दो साल का वक्त है, अगर फेल हो गया तो मंडेला छोड़ दो। इधर पहले भी थे मौके ले लिए, मेरा दावा है 8.5 साल से है, 8.5 साल से सरकार है बीजेपी जेजेपी की सरकार। मैंने पूरा सवाल पूछा जादवपुर के लोगों में भी, एक काम बता दो हमारे संबंध में भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है पहले उसमें लोकतंत्र जिंदा था, प्रजातंत्र जिंदा था, लेकिन अब ये पार्टी कब्जे में आ गई है, मतलब दो लोग पार्टी में गए हैं, वो कितने लोगों की बात बता सकते हो? सर ये इलेक्शन जो है, सर ये इलेक्शन है, इलेक्शन में उपचुनाव है, उपचुनाव के मायने क्या है, दो साल पाने के लिए क्या है, इसके नतीजे क्या साबित करेंगे जो नतीजे आएंगे यादवपुर उपचुनाव? ऐसा है पहले भी दो उपचुनाव हुए, उन्होंने नतीजा आपने देखा, दोनों उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी हारी है, चाहे बड़ौदा हो चाहे ये इलाहाबाद हो, ये भी आ रही क्योंकि ये विफल सरकार है, ये सरकार जब इनका कोई फैसला नहीं ले चुकी है। सर ये तीसरा बाईपोल प्रदेश की जनता देख रही है, बड़ौदा का बाईपोल एक डेथ की वजह से हुआ, इलाहाबाद का एक 80 बार विधायक ने किसानों को लेकर दिया, तो तीसरा ये बाईपोल है, इसकी मूल वजह क्या है? चुनाव होता है 13-17 प्रमुख को पैरोल मिल जाती है, अभी आज से पैरोल मिली है 40 दिन की। सर स्टार प्रचारकों में चंद्रमोहन जी का भी नाम शामिल है, जिसको लेकर के जनता कहीं ना कहीं जो है कमेंट्स में हो गई है कि वो जो है अपने परिवार के खिलाफ नहीं उतरेंगे, तो क्या जो है उनको आप ही की तरफ फिल्म में देखा जाए? सर उम्मीदवार हमारा जय प्रकाश जी है, कांग्रेस में है, कांग्रेस में है जी, प्रचार करने के लिए आएंगे चंद्रमोहन की बात है, कांग्रेस पार्टी में है करना चाहिए। मेरे से उम्मीदवार पूछा नहीं गया, ना राय ली गई है और वहाँ नामांकन में भी नहीं कह रही है, क्योंकि जब बड़ौदा उपचुनाव में बड़ौदा का उपचुनाव हुआ जब भी किसी से राय मिली गई थी, मैं नेता विपक्ष था और शैलजा जी प्रधान थे, हमने बैठ के फैसला किया था, इलाहाबाद के टिकट का भी कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया था, ये बाई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में बात होती है, हाँ चुनाव लड़ा इकट्ठा जाएंगे, चुनाव प्रचार करने आएंगे आएंगे बोलिए। ऐसा है, सवाल पूरा नहीं हुआ, ऐसा है क्या कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति को यह ऐसा त्याग नहीं कर पाई कि वो कांग्रेस की लड़ाई हल्के की हल्के में? ऐसा है बीजेपी त्याग कर पाई है, जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनका गाँव कहाँ है? ऐसा है और शुरू से मैंने कहा था नतीजे तो मतलब क्यों बैठक के लिए क्यों ऐसा किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हरियाणा के हित में हो चुका, आईएनटी अटेंड कर चुका, और मैंने विधानसभा में कहा था कि समय व्यर्थ मत करो, अपनी जिम्मेदारी को खिसका नहीं मत करो, आप कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट डालो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है पंजाब और केंद्र सरकार इसको लहर को फोड़वाने की जिम्मेदार है, तो उसमें करो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट डालो। मुख्यमंत्री जी ने वहां विधानसभा में कहा था कि हम कानून की सलाह लेके वो करेंगे, अरे कानून की सलाह कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट डालो, क्योंकि जब पहले ऑल पार्टी मीटिंग खुलाई थी पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट का फैसला आया, उस टाइम हमने कहा था कि हम राष्ट्रपति से मिलेंगे,
और प्रधानमंत्री चल गए। राष्ट्रपति जी प्रणब कुमार प्रणब मुखर्जी थे, हम उनसे मिले और प्रधानमंत्री जी से मिलाने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी से, आज तक भी नहीं मिला मुख्यमंत्री ने कहा जी, तो उनकी प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री जी से हुई थी। और उस समय आप इतना ध्यान रखो, उस समय जो है जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट के सोलिसिटर जनरल और वो सब हाजिर थे गृह मंत्री की मीटिंग में, मुख्यमंत्री भी थे मैं भी था। उस टाइम उन्हें कह दी थी कि ये जो है फाइनली अटैक कर चुका है, इसमें और कुछ नहीं था। तो बात कही थी आके मैंने एक आदमी भाई नहीं करता पर टेंडर कोर्ट डालो अप्लीमेंट कराओ, फाइनली हो चुका ऑर्डर, उसमें समय खराब करने की जरूरत नहीं थी। क्यों करें भाई, मेरे समझ में नहीं आया। एक चीन का फैसला हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कंट्री कर चुका है, उसके आगे कौन है? भाजपा ने ऐसा है जिस बात का कोई मायना नहीं होता उसका जवाब नहीं है। भाजपा की जो ये ने मदनलाल की तीसरी पीढ़ी को टिकट दे दिया, क्या परिवादवाद की यहाँ समझ नहीं आती? भाजपा से पूछो साहब, जो ये आदमपुर का उपचुनाव है क्या इसको 2024 का सेमीफाइनल माना जाए? जो आदमपुर का उपचुनाव हो रहा है क्या इसको 2024 का सेमीफाइनल? ऐसा है हर चुनाव इम्पोर्टेंट होता है, हर चुनाव में नतीजा कुछ होता है। सर जो आपने जीत का दावा किया कांग्रेस की तमाम सीटें 1968 से जिस सीट पर बजरलाल परिवार जीतता है, इस बार परिस्थितियां विपरीत कैसे हैं या फिर कांग्रेस किस तरह से जीत सकती है जो गढ़ रहा है 1968 से? कई बार कोशिश की गई, कई बार दाव लगाया गया, ऐसा है ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का ही गढ़ रहेगा। सर जब से 68 से अब तक ले लो ज्यादा बार कांग्रेस ही जीती है। सर अब कांग्रेस को आदमपुर की जनता वोट क्यों दी, किस मुद्दे पे देगी? सरकार के खिलाफ विफल सरकार है और हरियाणा सरकार के समय में हरियाणा नंबर एक था, आदमपुर का विकास हुआ था कांग्रेस के समय में, और 6-7 साल में एक दिन भरा मैं हर गांव से पूछूंगा मैं क्या काम हुआ हुआ, हमने तो एक इंच में 17 वाटर बॉक्स हमने बन के तैयार है इन्हें एक की अवधा। जब लोगों ने कांग्रेस का तुमको भेजा था 5 साल के लिए तो कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस के सांसद भी रहे यहाँ से है ना, चुनावी प्रचार में केंद्रीय नेतृत्व से तो बड़ा नेता आएगा भाई, इलेक्शन में नॉर्मली नहीं है। आप कितना टाइम लगाओगे? आप कह रहे हैं